गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हो हम हैं धर्मतल्ला के आसपास में और हम यहां से जाने वाले हैं विक्टोरिया हॉल के आसपास। तो हम यहां से वॉक करते हुए जाएंगे और राइड में जो भी स्ट्रीट फूड मिलेगा हम उसको टेस्ट करने वाले और उसका प्राइस क्या रहने वाला है और कैसा टेस्ट रहता है वो हम आपको बताएंगे। जैसा कि देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पर फ्रूट, तो गाइस इसी टाइप के जो फेरी वाले हैं उनका कुछ फ्रूट का टेस्ट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस फ्रूट ही नहीं जो भी मिलेगा सबका टेस्ट करेंगे। तो गाइस मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहो। कितना बना रहे भैया? 30 रुपया। लो संजू पकड़ो। सो हे गाइस जैसा कि देख सकते हो हमने भैया से कुछ फ्रूट्स लिया है जो कि इसका प्राइस पड़ा है मात्र 30 रुपीज़। और गाइस इसका हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कैसा रहता है ये 30 रुपये का फल। भाई साहब बहुत ही लाजवाब लग रहा है क्योंकि देख सकते हो आप इधर में पपीता है, एप्पल है, बनाना है, खीरा है और देख सकते बहुत सारा कुछ है। ये देख सकते हो तरबूज भी है। तो गाइस बहुत सारा इसमें कुछ दिया हुआ है तो इसी टाइप से हम लोग बहुत कुछ खाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहो। ये दोस्तों वहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं और आप देख सकते हो ये है ईडन गार्डन और ईडन गार्डन का टिकट जो है यहाँ पर मिलता है गाइस। ये जो बॉक्स ऑफिस आपको दिख रहा है यहाँ पर और कुछ लोग देख सकते हो वहाँ पर टिकट खरीद रहे हैं और उसी के साइड साइड में ये बहुत सारे फेरी वाले और भी बहुत सारे रहते हैं गाइस। तो अभी इधर में बहुत सारे लोग नहीं बैठे क्योंकि इधर में अभी खेला चल नहीं रहा। तो अभी जाते हैं फ्रूट्स तो खाएँ, फ्रूट्स खाने के बाद हमको थोड़ा सा पानी भी प्यास लगा है तो अभी जाते हैं चाचा से सोडा वाटर बनवाते हैं। चाचा सोडा वाटर कितने का है? 30 रुपया। और नींबू पानी 20 रुपया। तो जाते हैं चाचा से सोडा वाटर पीते हैं और कैसा टेस्ट रहता है ये आप लोग को बताते हैं। चाचा बनाइए एक सोडा वाटर। पूरा वीडियो कर रहे हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? अरे मैदान में यहाँ से लेके विक्टोरिया तक तो देख सकते मेरा सोडा वाटर बन के रेडी है और इसका हम करने वाले हैं टेस्ट। सोडा सिकंजी है, सोडा वाटर नहीं है। इसमें देख सकते सोडा वाटर देकर सोडा सिकंजी बनाया जाता है और बहुत ही लाजवाब लगता है। इसमें बहुत कुछ डाला गया है, मिठाई उठा मतलब चीनी का पानी उनी घोल उल बहुत कुछ दिया गया है। जलजीरा भी है। मजा आ गया। अच्छा चाचा जी आप कुछ बोलेंगे क्या? हम क्या क्या बोलेंगे चाचा, रहने दो ना। मजा आ गया। हे दोस्त हमने सोडा वाटर पी लिया, काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद आज हम लोग का काम ही केवल खाना वो है स्ट्रीट फूड, आप लोग पहले ही बता दिया था। और सोडा वाटर के जस्ट बगल में यहाँ पर भेल पूड़ी दही वाला क्या पता नहीं क्या क्या बनता। हटाओ संजू लामा, तुम क्या लियो? हम तो पापड़ी चाट लिए। अच्छा तुम पापड़ी चाट लियो, हमको भैया भेल मूढ़ी बना दीजिए। ये गाइस देख सकते हो क्या भैया, ये दही पापड़ी चाट है। किसका है इसका? अबे मत फेंक, अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, रुक तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
हाँ दे दीजिए। खबन दही पापड़ी चाट होवे, चाट होवे स्पेशल एकटा खेले एकटा आर खेते होवे। चाट होवे सब चीज के भालो अपनार जाय इच्छा। भेलमुड़ी खावन, भेलमुड़ी देवो दही पापड़ी। हे गाइस, जैसा कि देख सकते हो मेरा ये भेलपूड़ी बन के रेडी है। क्योंकि आप ये देख सकते हो ये ठोंगा में एक अलग मजा है भेलपूड़ी खाने का, और इसका टेस्ट बताएंगे। गजब, ये सब का यूज नहीं करेंगे हाथ का। बाद साहब गजब, बहुत बढ़िया। হিন্দি বল রে এটা বাংলা আছে, বাংলা জানতে হবে। আচ্ছা যা। হে গাইস, দেখ সকতে হো মেরে সাথ মে হ্যায় মেরা ভাই সঞ্জু লামা, জো কি হাম লোগ এক হি জগহ কে হ্যায় সলকিয়া সে। আর ইয়ে ভাই কা ভি চ্যানেল হ্যায় সঞ্জু লামা, ক্যা হ্যায় নাম পুরা? সঞ্জু লামা ক্রেজি ব্লগ। তো গাইস, ভাই কা ভি চ্যানেল হ্যায় জিসকা নাম হ্যায় সঞ্জু লামা ক্রেজি ব্লগ। ভাই কে চ্যানেল কো জাকার আপ লোগ ওয়াহাঁ ভি দেখ সকতে হো ভাই কে ব্লগ। और गाइस, हम दोनों मिल गए और साथ में जानते हो ना जो मेरा कंटेंट है वो भाई का भी है, तो हम लोग जानबूझ के साथ में निकल गए हैं और सब कुछ का टेस्ट करेंगे, एक से एक वीडियो बनाएंगे। पता नहीं भाई का साथ कब तक रहता है, लेकिन अब जब से हम वीडियो कंटिन्यू किए हैं हर दिन कोई ना कोई एक नया बंदा आता है, काफ़ी अच्छा लगता है हमको। तो आज हम लोग देखो यहाँ से निकल गया, अब जा रहे हैं विक्टोरिया में। और इधर में गाइस आंवड़ा, आंवड़ा क्या कहते हो? क्या चीज़? आंवड़ा, आंवड़ा जानते हो? खाने वाला आमड़ा ना। हाँ हाँ, वो आमड़े बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है हम लोग को पता नहीं। हिंदी में आमड़ा बोला जाता है भाई, आमड़ा बोला जाता है, आमड़ा आमड़ा आमड़ा। तो गाइस, हाँ तो गाइस, अब हम लोग जाते हैं अमरूद, अमरूद माखा माने बंगाली में कहते प्यारा माखा, आमड़ा माखा, और खीरा उरा भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ हम लोग को जाने की देरी है, फिर करेंगे टेस्ट और स्वाद बताएंगे आप लोग को कैसा रहता है, नहीं रहता है, क्या प्राइस रखता है। नेपाली आती है? मतलब टेस्ट भालो आचे मतलब। हाँ, बोला जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे? टेस्ट बढ़िया था, टेस्ट खूब भालो छिलो। अच्छा, की बोलबे नेपाली ते? যে খাওয়া কথা নি মুড়িছে নি যে জিতনা নাম রে থেকে একদম মিঠো দামি থে দামি এ বলছে যে খাওছো যে খানা খাওয়া কথা নি একদম দামি থেকে একদম রাম রে একদম মিঠো থে মিঠো মিঠো হ্যাঁ দামি ঝাল ছিল না ঝাল 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 হ্যাঁ পিরো মিনি থিও কি মিনো পিরো পিরো কে পিরো পিরো মিঠো সবই থিও আচ্ছা পুরো আমারে সাবস্ক্রাইবার লোক যে ভিউয়ার লোক দেখ রে উসকো কিছু বলো নেপালি মে হ্যাঁ कुछ बोलो, पहले हिंदी में बोलो उसके बाद नेपाली में बोलो, नहीं तो तुम नेपाली में क्या बोल दोगे? नहीं बोल दोगे नेपाली में क्या उल्टा उल्टा बोल देंगे? नहीं 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 बोलोगे भाई, बोलेंगे क्या? बोलो कि हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे इसको। अगर आपको वीडियो हम लोग को पसंद आए दोनों का, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसको नेपाली में बोलो ना। नेपाली में? हाँ, अगर हम दुई जना को वीडियो फोन पर वीडियो चाहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिन होला। और मेरे अपने चैनल संजू लामा क्रेजी ब्लॉग, ये मेरे सेंजुला क्रेजी ब्लॉग में गए तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो सानो भाई को लगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ो भाई को हमें लाइक कर देव। हाँ, हमें कर दिल। हाँ, ठीक है, दाओ। ए गाइस, हमको नेपाली नहीं आता, नेपाली बोलते बोलते बंगला बोल देते, बंगला बोलते बोलते भोजपुरी बोल देते, अब पता नहीं क्या क्या बोलते, कौन कौन सा भाषा हम बोल देते हमको खुद नहीं पता रहता। बस इतना पता है कि मज़ा आ जाता भाई बोल के, हमको तो काफ़ी अच्छा लगता है, हम हर चीज़ को एकदम उल्लास से जीते हैं। हमारा जीने का तरीका ही अलग है, पता नहीं किसी को पसंद आता है कि नहीं आता, हमको नहीं पता, लेकिन हमको पसंद आता है। पता नहीं आप लोगों का कैसा लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। हे गाइस, चलते चलते हम लोग जो है ये मैदान में एंट्री कर गए हैं। गाइस, ये है विक्टोरिया का मैदान नाम का जगह है, और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे और जाएँगे, जैसा कि मैं बता दूँ उधर देख सकते हो विक्टोरिया, और वहाँ पर जाते हैं देखते हैं
क्या खाने को मिलता है और कुछ सिनेमैटिक टाइप का ही वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा जगह जगह पर। जैसे हमने यहाँ से रास्ता क्रॉस किया था तो गाड़ी चल रही थी तो उसका सिनेमैटिक थोड़ा बहुत करके, इसे क्या होगा कि हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम एक ब्लॉगर है या यूट्यूबर है तो हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होनी चाहिए गाइस। तो गाइस वहाँ देखो पानी का फुहारा कुछ आ रहा है तो उसका कुछ सिनेमैटिक लेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहो। हे गाइस चलते चलते फाइनली थक गए हैं गाइस, क्योंकि पैदल बहुत कम चलते हैं गाइस, हमेशा इधर आते हैं तो स्कूटी या बाइक से ही आते हैं। तो आज हम लोग का कुछ टॉपिक ही ऐसा था कि हम लोग को स्ट्रीट फूड खाना था। तो गाइस स्ट्रीट फूड खाने के लिए काफ़ी हम लोग को पैदल चलना पड़ा। और गाइस देख सकते हो ये सामने जो है फिर से आ गया मेरा फ्रूट्स आइटम। और देख सकते हो गाइस इधर आइए कैमरामैन थोड़ा इधर में देख सकते हो प्यारा है, आंवला है और ये आमड़ा क्या ये स्टार फूड स्टार फूड ये देख सकते हो गाइस स्टार की तरह है तो इसका नाम है स्टार फूड। तो गाइस हम लोग अभी बनाएंगे आंवड़ा माखा और आप लोग को दिखाएंगे कि इसका टेस्ट कैसा रहता है और इसका प्राइस कितना रहता है। क्या कैसे आंवड़ा 15 तो गाइस देख सकते हो 15 रुपए का आंवड़ा मिलता है। अब बनाइए आंवड़ा माखा और इसका फाइनली जब टेस्ट बताएंगे तो आप लोग बता पाओगे कैसा यहाँ का रहता है। आप लोग देख के ऐसे ही मज़ा आ रहा होगा गाइस। तो चलो अभी चचा को देते हैं बनाने फिर दिखाते हैं कैसा रहता है। नहीं रहता छोटा अमरूद ले लो। नहीं फाइनली मेरा आंवड़ा माखा बन के रेडी हो गया है गाइस। देख सकते हो काफ़ी दिखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और वो डिलीशियस दिख रहा है गाइस। चलो हम इसका बताते हैं आपको टेस्ट कैसा रहता है। हमको पता है बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हम पहले बार तो खा नहीं रहे, हम इसके पहले भी खाए हुए हैं। सच में गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आंवड़ा से ऐसा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि खट्टा खट्टा वैसा कुछ नहीं, खट्टा मीठा नमकीन मसाला झाल सब कुछ लग रहा है क्योंकि इतना कुछ डाल के जो बनाया है। सच में गाइस बहुत अच्छा, अगर आप लोग भी आओ तो ये स्ट्रीट फूड को ज़रूर खाना। सो हे गाइस फाइनली हमने आंवड़ा तो खा लिया गाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। लेकिन हमारे साथ में जो संजू भाई आया है वो तो कभी आंवड़ा खाता नहीं था, वो भी खाया उसको बहुत अच्छा लगा। तो आंवड़ा का टेस्ट लेने के बाद अब वो जो है प्यारा माखा खाएगा। तो गाइस अभी देखते हैं प्यारा माखा का टेस्ट कैसा रहता है। हमको तो पता है भाई बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। तो गाइस देख सकते हो ये सब फूड का एक अलग ही मज़ा है खाकर। ये संजू ने लिया है, ऑर्डर किया है और देखते हैं इसका भी अच्छा बहुत अच्छा रहता टेस्ट। हमने तो अभी वो आंवड़ा खा कर मस्त हो गया, लेकिन कितना भी खा ले फिर जगह तो खाली रह ही सकता भाई पेट में। और हम भी देखते हैं इसका टेस्ट खा कर, बहुत अच्छा गाय। अब देखो ना उसमें मसाला वसाला धनिया पत्ता वत्ता डाल के बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा रहता भाई। हाँ बहुत अच्छा। देखो आप रास्ता इधर से मसाला थोड़ा लेम्बू पानी पुदीना पानी जितना चना में खा कर। फाइनली मेरा चना जो है बन के रेडी हो गया और काफ़ी मज़ेदार डिलीशियस बहुत ही कड़कदार चना है गाइस। आप लोग आओ हमारा ये वीडियो आप लोग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर से किसी वीडियो में, तब तक के लिए ज
जय हिंद, जय भारत।